कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की टिप्पणी पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कड़ी आपत्ति जताई है। इससे रेखा शर्मा को लेकर महुआ मोइत्रा के सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट से विवाद खड़ा हो गया। उसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ स्वतः सुफूर्त कार्रवाई की है। वहीं महुआ मोइत्रा ने रेखा शर्मा पर पलटवार करते हुए दिल्ली पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने की चुनौती दी है। NCW अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि वो महुआ मोइत्रा के खिलाफ FIR दर्ज करने जा रही है। रेखा शर्मा ने संबंध में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है। उन्होंने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज की है। NCW अध्यक्ष रेखा शर्मा ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के हाथरस में भगदड़ स्थल का दौरा किया था। उस घटना पर महुआ मोइत्रा ने महिला आयोग की अध्यक्ष के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी। NCW ने शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर राष्ट्रीय महिला आयोग सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई हो रही है। उन्होंने NCW अध्यक्ष रेखा शर्मा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। आपत्तिजनक टिप्पणी महिलाओं के सम्मान के अधिकार को कमजोर करती है। आयोग का मानना है कि टिप्पणी भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत है। ऐसी अपमानजनक टिप्पणियों की कड़ी निंदा करती हूँ और महुआ मोइत्रा के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अनुरोध करती हूँ। रेखा शर्मा के ट्वीट का महुआ मोइत्रा ने जवाब दिया। उन्होंने दिल्ली पुलिस को संबोधित करते हुए लिखा है कि महुआ मोइत्रा कृपया इन स्वप्रेरित आदेशों पर तुरंत कार्रवाई करें। मैं नादिया में हूँ, अगर आपको अगले 3 दिन में मेरी जरूरत पड़े तो मुझे गिरफ्तार कर लें। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि आप वहाँ कृपया अपने नए अधिनियम के तहत किसी दूसरी सीरियल अपराधी के खिलाफ FIR दर्ज करें। महुआ मोइत्रा ने रेखा शर्मा द्वारा ट्वीट किए गए पोस्ट भी चेक किए हैं। महुआ मोइत्रा का विवादों से पुराना नाता रहा है। इसके पहले भी सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट को लेकर वो विवादों में घिरती रही हैं। पिछली लोकसभा में प्रश्न के बदले गिफ्ट और कैश लेने के आरोप के तहत उन्हें बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने फिर से उन्हें कृष्णनगर सीट से उम्मीदवार बनाया था। इस सीट से महुआ मोइत्रा फिर से सांसद निर्वाचित हुई। अब सांसद निर्वाचित होने के बाद फिर से वो अपने बयान के कारण विवाद में है और महिला आयोग की अध्यक्ष ने उनके खिलाफ खुद कार्रवाई की है।